हेलो स्टूडेंट्स देखो जो पोल पे मैं कम्युनिटी पोल पर आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ वो मैं बस ऐसे ही मन से लिख देता हूँ और मैं ये सोच कर लिखता हूँ कि इसमें एक से ज़्यादा कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व हो जाएं और जहाँ जहाँ बच्चे गलती करते हैं बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस मैं उन क्वेश्चंस को आपको देता हूँ चलिए जैसा कि मैं क्वेश्चनस का डिस्कशन भी करा देता हूँ ताकि बच्चों को कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए तो आज हम क्वेश्चन लेने वाले हैं ट्वेंटी सिक्स से लेकर के थर्टी तक तो पोल डिस्कशन क्वेश्चन ट्वेंटी चलो देखो लुक एट ट्वेंटी सिक्स हैंज लॉ कॉन्स्टेंट सॉल्यूशन बहुत सारे बच्चे तो यही बड़े गलत जवाब भी देते हैं बच्चे जैसे हैंनरीज लॉ कॉन्स्टेंट इज हाइएस्ट फॉर जिसकी सॉलिबिलिटी पानी में सबसे कम होगी सॉल्वेंट में सबसे कम होगी जहां वॉन्टर वॉल्स फोर्सेस सबसे वीक होंगे वहां पर हैनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू हाईएस्ट होगी बच्चों ने गलत आंसर दिया 66 परसेंट स्टूडेंट्स ने अमोनिया आंसर दिया है अमोनिया इनफैक्ट जो है लोएस्ट वैल्यू ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट है सो आंसर शुड बी हाइड्रोजन मैंने आंसर लिखा भी होगा इसका तो आंसर इज हाइड्रोजन तो आंसर इज डी तो हैंज लॉ कॉन्स्टेंट हाइड्रोजन के लिए हाइएस्ट होगा इन सब में कमिंग टू द ट्वेंटी सेवन विच ऑन हीटिंग कैन नॉट गिव टू और मोर गैसेज अब देखो ये तो बहुत ही अच्छा सवाल था अब ये भी आपने गलत आंसर दिया है इसका आंसर पोटेशियम नाइट्रेट होना चाहिए जो कि मात्र 22 परसेंट ने दिया है 60 परसेंट स्टूडेंट ने गलत आंसर दिया है फेरस सल्फेट सुनो अमोनियम नाइट्राइट आप इसे स्ट्रांगली हीट करोगे तो N2 गैस भी जाएगी और टेम्परेचर इज मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस होता ही है तो ये एच टू ओ भी वेपर्स के फॉर्म में जाएगा तो मिल गई ना दो गैसेस फेरस एफ ई एस ओ फोर को स्ट्रांगली हीट करते हैं तो रेडिश ब्राउन एफ ई टू ओ थ्री मिलता है और दो गैसेस मिलती हैं एस ओ टू एज वेल एज एस ओ थ्री मिल गई ना दो गैसेस। दिस इज आई आई टी में आया हुआ है ये क्वेश्चन साथ ही साथ पोटेशियम नाइट्रेट के एन ओ थ्री ये थर्मली काफ़ी स्टेबल होते हैं हीट करने पर पोटेशियम नाइट्राइट मिलता है और केवल एक ही गैस मिलती है इसलिए और अमोनियम नाइट्राइट ये तो हो गया नाइट्रेट था ये एन और यहाँ नाइट्राइट तो एन एच को हीट करोगे तो यू विल गेट एन टू प्लस एच टू टेम्परेचर इज मोर देन वन हंड्रेड डिग्री सेल्सियस सो आंसर इज दिस तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इस पोटेशियम नाइट्रेट सी ज़्यादातर स्टूडेंट्स के छब्बीस भी गलस भी गलत जरा अट्ठाइस पर आओ किसके लिए मिनिमम है तो किसके लिए मिनिमम है वॉन्डर इंटरमोलिकुल वीकेस्ट हो हाँ यह सही आंसर दिया है आपने मिथेन का वॉन्डरवॉल्स कॉन्स्टेंट ए की वैल्यू काफी कम होगी तो आंसर इज सी मिथेन इसके लिए ए की वैल्यू स्मॉलेस्ट होगी ट्वेंटी नाइन में एंजाइम स्टार्च याद होगा तो क्वेश्चन सॉल्व होगा वरना नहीं सरफेस केमिस्ट्री में ट्वेल्थ क्लास में एनसीआर टी में क्लियरली मैंशन है एंजाइम्स होते हैं फूड को डाइजेस्ट करने में काम आते हैं बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं उसमें यह भी होता है स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करते हैं तो वी नीड डाइस्टिज तो डायस्टेज इज द राइट आंसर हालांकि ज्यादातर स्टूडेंट ने ओनली फिफ्टी सेवन परसेंट ने सही दिया है तो सी इज़ द राइट आंसर ऐसा क्वेश्चन आ गया और मौके पे याद करके ना गए एग्जाम से दो चार आठ दिन पहले तो बस ये होगा नहीं है आपसे क्वेश्चन तो बच्चों इन क्वेश्चन को भी याद करके जाए जेई मेन में तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर थर्टी विच ऑफ़ द फॉलोइंग पैरा मैग्नेटिक इसमें भी बहुत डिसएग्रीमेंट है और ज्यादातर बच्चों ने गलत आंसर दिया 67% सेवन परसेंट स्टूडेंट गए द रोंग आंसर ओजोन को बोल दिया पता नहीं क्यों ओजोन मुझे इतने साल हो गए पढ़ाते हुए अक्सर बच्चे ओजोन को पैरामैग्नेटिक बोलते हैं पता नहीं क्यों ओ टू है पैरामैग्नेटिक ओजोन नहीं ओजोन की स्ट्रक्चर तो देखो ये है यहां पर ये है स्ट्रक्चर नॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन डाया मैग्नेटिक ओजोन इज डाया मैग्नेटिक अच्छा मर्क्यूरस आयोडाइड ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट केस है एच जी जब ये टूटता है तो ये एच जी टू टू प्लस मर्क्यूरस आयन होता है और टू आई माइनस आई माइनस में भी कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है मर्क्यूरस आयन में भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है मर्क्यूरस आयन का जो अनपेड इलेक्ट्रॉन था वो कोवेलेंट बॉन्ड बना करके इस तरीके से रहता है देर इज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन इन मर्क्यूरस आयन सो मर्क्यूरस सोल्ट आर मोस्टली डायोमैग्नेटिक तो यह भी डायोमैग्नेटिक है सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन सोडियम क्रोमेट सोडियम क्रोमेट एनए टू सी आर ओ फोर यह भी डायोमैग्नेटिक ऐसे कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है प्लस छह ऑक्सीडेशन स्टेट में है आंसर इज पोटेशियम मैंगनेट बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं पोटेशियम मैंगनेट का फॉर्मूला के टू एम एन ओ फोर है फोर नहीं ये है पैरामैग्नेटिक तो सो आंसर शुड बी फॉर दिस क्वेश्चन शुड बी पोटेशियम पर मैंगनेट पोटेशियम मैंगनेट डी ऑप्शन ओनली 24 परसेंट गेव द राइट आंसर इससे आइडिया लगता है कि बच्चों के कॉन्सेप्ट अभी भी काफी हिले हुए हैं जम के पढ़ाई करो घंटा दो घंटा पढ़ाई करने से ना होता है ठीक है ना ये वैलेंटाइन वैलेंटाइन डे तो ठीक है यार भाई अभी तो पी ही तुम्हारी मोहब्बत होनी चाहिए तो प्लीज़ हमारी बात का ध्यान दो आएगा बहुत सारा टाइम वैलेंटाइन का भी कर लेंगे वो सब भी यार अभी तो ये सब ऑल द वेरी बेस्ट